लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ऐसा है कि हमारी महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति की बैठक मुंबई में हाल ही में हुई थी। इस बैठक में हमने जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया था उसमें हमने ये मांग की थी कि जिस तरह से परमवीर सिंह इस पुलिस अधिकारी के पत्र के कारण अनिल देशमुख की सीबीआई चौकशी शुरू हो गई, सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई, उसी तरह आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा के हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी में है, ऐसा एक पुलिस अफसर सचिन वाझे, इसने भी अपने खत में दो मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आरोप किए हैं, गंभीर इल्जाम लगाए हैं। एक तो उसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री है अजित पवार और दूसरे है राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब। तो इन दोनों की भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा हमने उस प्रस्ताव में कहा था, पारित किया था। अब उस प्रस्ताव का फॉलोअप करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल ने देश के गृहमंत्री अमित भाई शाह को ये पत्र लिखा है और इस पत्र में ये मांग की है। इस पत्र में सचिन वाझे ने जो डिटेल्स दिए थे, तफसील दिया था, उसका भी जिक्र दादा पाटिल ने किया है और ये कहा है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हर माह 100 करोड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और उसी तरह अनिल परब भी 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा हर माह को इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों पर दबाव डाल रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर्स पर और कुछ ट्रस्ट पर। और इसकी जानकारी जो सचिन वाझे ने दी है उसके आधार पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी मांग माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल ने माननीय अमित भाई के पास की है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि इस विषय में कार्रवाई कैसे होगी, तो हमने मांग तो की है। अब इस विषय में राज्य सरकार क्या प्रतिसाद देती है ये देखने के बाद आगे क्या कदम उठाना, इसका विचार हमने करके रखा है, वो करेंगे।